हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज तो ये एडजेक्टिव नहीं है। हम इसका उच्चारण एडजेक्टिव नहीं करते, हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो डी है, इस डी का उच्चारण नहीं होता, डी साइलेंट है इसमें, एडजेक्टिव कहलाता है ये। तो आगे से जब भी आप उच्चारण करें इसका इंग्लिश में, तो एडजेक्टिव ना बोल करके एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक, हिंदी में हम इसको कह देते हैं विशेषण। हिंदी में हम लोग इसको विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, किस शब्द को आप एडजेक्टिव कहोगे? हम लोग परिभाषा रटते हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। बचपन से हमने यही डेफिनेशन रटी है। विशेषण, एडजेक्टिव हम किसको कहेंगे? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव्स का सीधा संबंध किससे है? नाउन या प्रोनाउन से है। या तो वो नाउन की विशेषता बताएंगे या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। अब ये विशेषता कैसे बताएंगे, कैसे ये काम करेंगे, चलिए बात करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, देखिए स्टूडेंट, तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, एक एक की बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स, यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव है, या नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज अ नाइस पेन, ये एक अच्छा पेन है। यहाँ चेक कीजिएगा एडजेक्टिव क्या है। देखिए, एडजेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले, देखिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, हम लोग हर चीज जो है एक सिस्टम से पढ़ेंगे। यानी पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। उसके बाद हमने नाउन की बात की, फिर हमने प्रोनाउन की बात की, अब हम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। क्योंकि अब मैं सीधा आपको एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एडजेक्टिव्स का संबंध नाउन या प्रोनाउन से है, तो पहले आपको नाउन या प्रोनाउन सीखना पड़ेगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग एडजेक्टिव शुरू कर सकते हैं। नाउन प्रोनाउन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो एडजेक्टिव्स का सीधा संबंध नाउन या प्रोनाउन से है। तो सबसे पहले क्यों ना हम वाक्य के अंदर से नाउन या प्रोनाउन निकाल लें, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है? ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, यानी वाक्य के अंदर नाउन या प्रोनाउन होगा, जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो उसके बारे में विशेषता कैसे बताएगा। यानी कि ये क्लियर है कि अगर वाक्य में एडजेक्टिव है तो वो नाउन प्रोनाउन के लिए ही आएगा, तो वाक्य में नाउन प्रोनाउन का होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग नाउन प्रोनाउन निकाल लेते हैं ताकि हमें एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, पहला सेंटेंस है, इट इज अ नाइस पेन, ये एक अच्छा पेन है। यहां कोई नाउन या प्रोनाउन है क्या? जी हाँ, पेन, पेन हमारा क्या है? नाउन, क्योंकि एक वस्तु है इसलिए हमारा क्या है? नाउन, जैसा कि हम लोग नाउन में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इट हमारा क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन, इट हमारे लिए प्रोनाउन है, हम प्रोनाउन की बात भी कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास वाक्य में नाउन भी मौजूद है और प्रोनाउन भी मौजूद है। अब इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी शब्द विशेषता बताएगा वो इनका विशेषण होगा। देखिए, यहाँ विशेषता शब्द को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग हिंदी में रट लेते हैं विशेषता बताना, विशेषता क्या होता है? हम लोग इसको कह देते हैं क्वालिटी, किसी की विशेषता है यानी वो उसकी क्वालिटी है। और भी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको कहूं तो आप सीधा सा आप ये समझिएगा इंफॉर्मेशन, सीधा सा आप इसको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, यानी कि सूचना कह सकते हैं। आप उसको क्वालिटी कहिए, इंफॉर्मेशन कहिए या विशेषता कहिए, एक ही बात है। किस तरह से एक ही बात है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज अ नाइस पेन, ये एक अच्छा पेन है। इस वाक्य के अंदर प्रोनाउन हमारा इट है और नाउन हमारा पेन है। अब कोई ऐसा कोई शब्द है क्या जो या तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ आपको विशेषता बता रहा हो, या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, सूचना दे रहा हो? एक ही बात है, इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना या विशेषता बताना एक ही बात है।
सूचना देकर ही तो उसकी विशेषता बताई जाएगी। कैसे? देखिए, यहाँ कोई शब्द ढूंढिए पहले तो, जो इट या फिर पेन के बारे में कुछ कहना चाहता हो। जी हाँ, क्या है आपके लिए? नाइस। ये नाइस जो शब्द है ये किसके लिए आ रहा है आपके लिए? जी हाँ, ये नाइस जो शब्द है वो आपको पेन के बारे में बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन अच्छा है। तो हम इस वाक्य के अंदर नाइस को क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव। नाइस हमारा क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब विशेषता बताना, पेन की विशेषता है कि अच्छा है, और इसको विशेषता ना कह करके मैं इंफॉर्मेशन कह दूं तो भी तो बात वही है। जैसे पेन, ये नाइस किसके बारे में सूचना दे रहा है? पेन के बारे में तो सूचना दे रहा है, पेन के बारे में ही तो हमें जानकारी दे रहा है। सूचना दे देना या जानकारी दे देना एक ही बात है, या उसको क्वालिटी बता देना एक ही बात है। क्योंकि किसी के बारे में जानकारी दे करके, सूचना दे करके ही तो उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा। तो आप सीधा सा ये जानिएगा कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी सूचना आपको देता है, कुछ भी जानकारी आपको देता है, वही तो उसकी विशेषता है। तो ऐसा हर शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए वो आपका क्या है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ नाइस किसके बारे में सूचना दे रहा है? पेन के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। पहले तो हम नाउन और प्रोनाउन निकालेंगे। शी हमारा क्या है? जी हाँ, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। कोई नाउन है क्या? जी हाँ, गर्ल, ये हमारा क्या है? नाउन। तो अब कोई ऐसा शब्द है जो या तो शी के बारे में या गर्ल के बारे में कुछ आपको बता रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ये बिल्कुल आपको गर्ल के बारे में बता रहा है, जो कि हमारा नाउन है। तो हम एडजेक्टिव किसको कहेंगे? ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल यहां पर क्या है? हमारे लिए एडजेक्टिव है, जो कि गर्ल इस नाउन के बारे में आपको सूचित कर रहा है, या नाउन के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। तीसरा सेंटेंस है, इट इज अ ग्रीन कार्पेट, ये एक ग्रीन कार्पेट है। देखिएगा, इट हमारा क्या है? प्रोनाउन। कार्पेट हमारा क्या है? जी हाँ, नाउन। अब कोई ऐसा शब्द है जो या तो कार्पेट के बारे में बताए या इट के बारे में बताए? क्या है? ग्रीन। ग्रीन हमारा क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन कार्पेट के बारे में सूचना दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो हम सीधा सिंपल कह सकते हैं, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो या तो आपको नाउन के बारे में जानकारी देंगे या फिर आपको प्रोनाउंस के बारे में जानकारी देंगे। तो हम सीधा कह सकते हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में जो भी शब्द आपको इंफॉर्मेशन दे या उसकी क्वालिटी बताए वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स कहिएगा, ना कि एडजेक्टिव। डी हमारा साइलेंट होता है, डी का उच्चारण नहीं होता। तो हम कह सकते हैं, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब आप एडजेक्टिव्स पहचान सकते हैं आराम से। चलिए कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। तीन सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, इट इज अ ब्यूटीफुल हैट। सेकंड है, दिस बुक इज वेरी नाइस। एंड थर्ड है, द गर्ल इज इंटेलिजेंट। अब इन सेंटेंसेस के अंदर से हम लोग एडजेक्टिव्स निकालते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, इट इज अ ब्यूटीफुल हैट। एक एक शब्द की अगर बात करें तो इट हमारा क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन क्या था? ऐसे शब्द जो नाउन को हटा करके उनके स्थान पर यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने उसका नाम ना लेकर के उसको इट कहकर संबोधित किया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। नाउन क्या है हमारे लिए? हैट वस्तु है हमारे लिए, क्या है? नाउन। तो अब इट और इस हैट नाउन के लिए ऐसा कोई शब्द है जो इंफॉर्मेशन दे रहा हो या विशेषता बता रहा हो? जी हाँ, बिल्कुल, क्या है हमारे लिए? ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल जो है किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, ये हैट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ब्यूटीफुल हमारे लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस की बात करें, दिस बुक इज वेरी नाइस, ये बुक बहुत अच्छी है। चेक कीजिएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इस वाक्य में नहीं है, लेकिन नाउन हमें नजर आ रहा है, बुक। तो ये बुक हमारा क्या है? नाउन। अब इस बुक के लिए, नाउन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात करें दिस की। ये दिस बुक, ये दिस किसके लिए आ रहा है? ये इस बुक के लिए आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक, और कोई शब्द है जो इस बुक के लिए आ रहा है?
जी हाँ बिल्कुल, नाइस नाइस हमारा जो है अच्छा, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये भी तो हमें बुक के बारे में ही तो बता रहा है। ये नाइस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बुक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ब्यूटीफुल हैट, अक्सर हम लोग नाउन से पहले जो शब्द आता है उसको हम एडजेक्टिव कह देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है, यानी वाक्य के अंदर एडजेक्टिव कहीं भी हो सकते हैं। आप उनको स्थान से नहीं पहचानेंगे, उनको उनके काम से पहचानेंगे। और एडजेक्टिव का काम क्या है? जी हाँ बिल्कुल, नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको बताना, चाहे वो वाक्य में कहीं भी रखे हों, सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले आए तो ही एडजेक्टिव्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ नाइस जो है नाउन से दूर है, लेकिन फिर भी काम तो वो एडजेक्टिव्स का कर रहा है। देखिए कोई भी शब्द जो है, ग्रामर जो है, वो काम के आधार पे चलती है, फंक्शन के आधार पे चलती है। कोई भी टॉपिक, उसको नाम दिया जाएगा उसका काम देख करके। अब यहाँ इसका काम क्या है, बुक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना या बुक की विशेषता बताना, तो उस आधार पे हमारा 100% क्या है, एडजेक्टिव है। यह आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर वेरी, ये वेरी नाइस भी तो बुक के लिए है। देखिए नाइस बुक के लिए है, अगर ये वेरी वाक्य के अंदर से नहीं होता, मैं इसको हटा देता, ठीक, ये वाक्य में नहीं है, मैं इसको हटा देता यहाँ से, तो द बुक इज नाइस सेंटेंस फिर भी सही था, नाइस बुक के बारे में बता रहा है। लेकिन ये वेरी जो है ये बुक के बारे में नहीं बता रहा, ये तो खुद नाइस के बारे में बता रहा है। नाइस अच्छा, वेरी नाइस बहुत अच्छा, तो ये तो वेरी जो है इस नाइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और नाइस एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आएंगे, केवल और केवल दो शब्दों के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, या तो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, उसके अलावा इनका तीसरा कोई भी काम नहीं होता। एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या है, ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, एडजेक्टिव के लिए जो शब्द आता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है, लेकिन अभी हम एडवर्ब की बात नहीं करेंगे, अभी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव केवल वही होगा जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो इस वाक्य के अंदर दिस, ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक के लिए आ रहा है, और नाइस भी हमारा एडजेक्टिव है, ये भी बुक के लिए आ रहा है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल इज इंटेलिजेंट, नाउन क्या है हमारे लिए, गर्ल, ठीक। और कोई शब्द है, कोई प्रोनाउन इस वाक्य में नहीं है, और कोई शब्द है जो इस गर्ल के बारे में आपको सूचित कर रहा हूं? जी हाँ बिल्कुल, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हमें किसके बारे में बता रहा है? जी हाँ, इस गर्ल के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि गर्ल ही इंटेलिजेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव, ये भी हमारे लिए एडजेक्टिव है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर द भी तो है, और द गर्ल, द भी तो नाउन के लिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, द भी नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन द, ठीक है, इस वक्त आप इसको एक एडजेक्टिव के तौर पर ले सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन अभी आप एडजेक्टिव मानिएगा, क्योंकि हम आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो भी नाउन से पहले ही आते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव ना होकर के हम उनको डिटर्मिनर कहते हैं, और डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वो आगे हम बात करेंगे। अभी ठीक है, अगर आपको अभी हमने डिटर्मिनर नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी आप इसको ठीक एडजेक्टिव में शामिल करके भी देख सकते हैं, आगे जब हम बात करेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। यानी कि एडजेक्टिव क्या है हमारे लिए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी शब्द जानकारी देगा वो हमारे लिए एडजेक्टिव है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चार सेंटेंस आपके सामने हैं, चलिए एक एक की बात करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो सूचित करेंगे वो हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जो हमें या तो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में सूचित करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एडजेक्टिव्स निकालते हैं। फर्स्ट है आई फाउंड द डोर ओपन्ड। देखिए आई क्या है हमारे लिए, जी हाँ प्रोनाउन, क्योंकि मैंने अपना नाम ना लेकर के अपने आप को आई कहकर संबोधित किया, तो नाउन के स्थान पर जो शब्द आया प्रोनाउन। डोर हमारे लिए क्या है, जी हाँ नाउन, ठीक। अब ऐसा कोई शब्द है जो या तो आई के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, या फिर डोर के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं?
फाउंड हमारा क्या है इस वाक्य में? वर्ब। ठीक, अब दो शब्द हमारे पास रह गए हैं, द और ओपन। देखिए द आर्टिकल ये भी नाउन के लिए आते हैं, लेकिन आर्टिकल्स हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं, ये हम आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे। चाहे तो आप अपनी मन की तसल्ली के लिए इसको एडजेक्टिव्स मान सकते हैं। आगे चल के हम एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स का डिवाइडेशन जब करेंगे, उनमें अंतर को समझेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक्चुअली डिटर्मिनर्स भी जो है एडजेक्टिव्स से ही निकाला हुआ एक हिस्सा है, तो इसलिए अभी तो आप इसको चाहे तो एडजेक्टिव मान सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स नाम दिया गया है। अब एक शब्द आपके लिए रह गया है ओपनड। ये ओपनड क्या है, चेक कीजिएगा किसके लिए आ रहा है ये शब्द। आप कहेंगे सर ये तो वर्ब है। जी हाँ, दिखने में तो बिल्कुल वर्ब है, लेकिन वर्ब वाक्य में दो तो नहीं हो सकती। वर्ब का काम तो हमारा ये है फाउंड, ये वर्ब है, लेकिन वाक्य में इस वक्त ये वर्ब का काम ना करके केवल एक शब्द के रूप में पड़ा हुआ है। अब आप चेक कीजिएगा ये शब्द किसके लिए आ रहा है। आई फाउंड द डोर ओपन, मुझे दरवाजा ओपन मिला, खुला हुआ मिला। अब ये ओपन किसके लिए है? जी हाँ, ये दरवाजे के लिए आ रहा है, डोर के लिए आ रहा है। डोर ही तो है जो ओपन है, तो ये ओपन खुला हुआ किसके बारे में आपको सूचित कर रहा है? दरवाजे के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव है। दिखने में बिल्कुल ये वर्ब है, लेकिन देखिए किसी भी शब्द को, वो चाहे दिखने में कैसा भी हो, हम वाक्य के अंदर जो वो काम करता है हम उसी आधार पर उसकी ग्रामर निकालते हैं। यानी कि पूरी ग्रामर हमारी फंक्शन के आधार पर चलती है। जो शब्द जो काम करेगा हम उसको वही नाम देंगे। अगर ये सेंटेंस में नहीं होता तो बाहर अगर हम इसको निकाल लें तो बिल्कुल ये वर्ब है, लेकिन इस वक्त वाक्य के अंदर ये वर्ब का काम ना करके काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब तो हमारा फाउंड है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द नोवेल इज नाइस, नोवेल अच्छा है। चेक कीजिएगा नोवेल ये तो हमारा क्या है, नाउन। अब इस नाउन के लिए कोई शब्द आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, नाइस। ये नाइस किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, ये नोवेल के बारे में ही आपको सूचित कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। थर्ड सेंटेंस है, द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, नोवेल इंटरेस्टिंग है। नाउन क्या है, नोवेल। अब इंटरेस्टिंग ये जो शब्द है, ऊपर सेंटेंस था द नोवेल इज नाइस, नोवेल अच्छा है, अच्छा कौन, नोवेल ही तो है, इसलिए हमारा क्या है, एडजेक्टिव। उसी तरह नीचे द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, नोवेल इंटरेस्टिंग है, तो ये इंटरेस्टिंग किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, ये भी तो उस नोवेल के लिए आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव। आप कहेंगे ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपना वर्ब का काम ना करके नाउन प्रोनाउन के बारे में सूचना देने का काम कर रही है, यानी कि ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसका काम यहाँ एक एडजेक्टिव का है, तो इस वक्त वाक्य में हम इसको एडजेक्टिव ही कहेंगे। नेक्स्ट है, दिस इज अ रिटर्न नोटिस, ये एक रिटर्न नोटिस है। चेक कीजिएगा दिस क्या है, पहले तो दिस, ये आपने उसका नाम ना लेकर के उसको दिस कहकर संबोधित किया, नाउन को हटा करके उसके स्थान पर शब्द इस्तेमाल किया, तो हमारा क्या हुआ, दिस प्रोनाउन। कोई नाउन है क्या? जी हाँ, नोटिस ये हमारे लिए क्या है, नाउन। अब ऐसा कोई शब्द है जो या तो दिस के लिए आ रहा हो या नोटिस के लिए आ रहा हो? जी हाँ, रिटर्न। ये रिटर्न जो शब्द है हमारा किसके लिए आ रहा है, नोटिस के लिए। बिल्कुल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन इस वक्त ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब के रूप में ना होकर के किस रूप में है, ये एडजेक्टिव के रूप में है, तो इस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ही कहेंगे, क्योंकि काम किसका कर रही है, ये एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में आपको सूचना दी जा रही है, नोटिस हमारा नाउन है, और नाउन के बारे में जो सूचित करेगा वो हमारा एडजेक्टिव ही कहलाएगा। ठीक है, यानी अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वाक्य के अंदर कहीं भी हो आप एडजेक्टिव्स के बारे में पता लगा सकते हो। कोई भी वाक्य आपके सामने लिखा हुआ हो आप उस वाक्य के अंदर से एडजेक्टिव्स निकाल सकते हैं इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं।